Hello friends, welcome to Talent Crafts. Friends, हम SVIDS है, यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU से, और मेरा नाम है निखिल, ये है प्रियंका और ये जानकी। हम हमारे प्रोजेक्ट का अब डेमोस्ट्रेशन दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है स्मार्ट AMR एंड लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम इन इंडस्ट्री। सबसे पहले आएगा ट्रांसफार्मर, जो 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। फिर आएगा ब्रिज रेक्टिफायर, जो 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर एक स्विच होगी जो पूरे पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करेगी। फिर उसके बाद आएगा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, और हमको आउटपुट में दो वोल्टेजेस मिलेंगे, 5 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद आएगा हमारी रिले सर्किट हेल्प करेगी कन्वेयर बेल्ट को कंट्रोल करने में, उसको ऑन ऑफ करने में। अभी ये हमारा कन्वे बेल्ट है, उस पर हमने 4 मोटर्स कनेक्ट किए हैं, वो पैरेलल में होगी, और हमने यहाँ पर PCB पाइप यूज़ की हुई है और व्हील भी यूज़ किए उसे रोटेट करने के लिए। ये हमारा बेल्ट है, वो हम स्कूटर का वो बेल्ट होता है ना, वो यूज़ कर सकते हैं। ये PCB बोर्ड है और हमने ये बिल्ड कर दिया हुआ है। फिर ये रोटेट होगा, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर के जब वो आएगा अल्ट्रासोनिक सेंसर जब डिटेक्ट करेगा वो बॉटल को, तो तुरंत ही वो बेल्ट स्टॉप हो जाएगा। और ये लेज़र सेंसर है, लेज़र सेंसर वो इस बॉटल को सेंस करेगा कि डेप्थ कितनी है, जो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी उससे मैच करेगा, तो ये जो कंटेनर है वो आगे पास हो जाएगा। और उस वैल्यू से वो मैच नहीं करेगा तब वो कंटेनर वहीं पर ही रुक जाएगा और उसे हमें मैन्युअली रिमूव करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर और वो लेज़र सेंसर दोनों कंट्रोल होता है ये आर्डिनो से। ये सेकेंड पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का, जो कि ये मेन पार्ट है AMR, इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। इसमें हमने जो कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो है इलेक्ट्रिक मीटर, आर्डिनो बोर्ड, ब्लूटूथ, NGSM मॉड्यूल। इलेक्ट्रिक मीटर के इनपुट में हम 230 AC वोल्ट देंगे और आउटपुट में हम हमारा दूसरा प्रोजेक्ट का पार्ट कनेक्ट करेंगे, जो कि है वो स्मार्ट लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक मीटर के आउटपुट में हम अपना प्रोजेक्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ CL लिखा है, उस LED को हमने निकाल लिया है और उसके जो दो पिन है पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमने आर्डिनो पे कनेक्ट किए हैं। ये जो LED के हमने जो दो वायर निकाले उसके दो वायर को हमने आर्डिनो पे कनेक्ट किए, बाद में GSM और ब्लूटूथ हमें आर्डिनो के साथ कनेक्ट किए है। वो उस कनेक्शन से हम जो मीटर के टैरिफ है वो हम मेज़र करेंगे और वो हमें SMS थ्रू और ब्लूटूथ डिस्प्ले थ्रू हमें दिखाया जाएगा। GSM से हम कभी भी SMS पता लगा सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री या कोई प्लांट हो तो इलेक्ट्रिसिटी वो कितना कंज्यूम कर रही है वो हमें टैरिफ में बताएगा। ये स्मार्ट AMR के बेनिफिट्स, तो हर 2 महीने बाद जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें पेपर यूज होता है तो वो से होगा, साथ ही साथ जो पर्सन आता है उसको पे करना नहीं पड़ेगा, यानी कि रुपीस और पेपर दोनों को हम सेव कर सकते हैं। लेस ह्यूमन एरर इसमें होती है क्योंकि ये सब डिजिटल है और इलेक्ट्रिक थेट भी इश्यू का नहीं होगा कुछ। ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में हमने दो पार्ट किए हैं, एक है लेवल मॉनिटरिंग और दूसरा है स्मार्ट AMR, यानी कि इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग कैसे करते हैं वो। हमने हमारे पहले पार्ट में लिक्विड लेवल मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताया, और दूसरे पार्ट में इंडस्ट्री में लोड कंजप्शन कैसे होता है और वो हमें SMS पर डिस्प्ले कैसे मिलेगा वो हमने किया है। अभी मैंने जो हमारे प्रोजेक्ट में किया है वो है इलेक्ट्रिक मीटर माउंटिंग एंड उसकी कनेक्शन वगैरह वगैरह, और मैंने किया है वो पूरा बेल्ट बनाने की प्रोसेस और हार्डवेयर स्ट्रक्चरिंग एंड सेंसर माउंटिंग एंड वायरिंग ऑफ ऑल दैट कनेक्शन बिटवीन देम। और मैंने किया है आर्डिनो प्रोग्रामिंग, लेज़र सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस किया है माइक्रोकंट्रोलर मतलब आर्डिनो के साथ और उसकी प्रोग्रामिंग की है। और इलेक्ट्रिक मीटर में जो ब्लूटूथ और GSM यूज़ होता है आर्डिनो के साथ, उसकी भी प्रोग्रामिंग मैंने की। कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हुआ है, उस पर हमने कंटेनर रखा, यह अभी खाली कंटेनर है इसलिए वो लेज़र ने उसे सेंस कर दिया है और वहीं पर ही स्टॉप हो चुका है, अभी हमें उसे रिमूव कर देना है। अभी हम दूसरा कंटेनर रखेंगे,
उस पर वो डेप्थ मेजर करने के लिए, और वो फील है इसलिए अभी सेंस हुआ, और वो फुल फील है इसलिए वो आगे जा रहा है। ऐसे ही कंटिन्यूस होने होते रहेगा। जो हमारा ये लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका जो लोड है, जो हम इलेक्ट्रिक मीटर से हम वो कैलकुलेशन करेंगे, जिसकी जो एलईडी जो ब्लिंक होती है, जिसके इम्प्रेशन पर किलोवाट आवर, जिसे हम जो फाइंड करते हैं, मतलब कि टैरिफ होता है, वो कैलकुलेशन करने के लिए हमने वो पिन, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन हमने निकाल दी है, और वो हमने आर्डिनो के साथ कनेक्ट किए। उसका कनेक्शन करने के बाद हम ब्लूटूथ और जीएसएम का कनेक्शन आर्डिनो से किया है, और जिसके प्रोग्रामिंग को हम ब्लूटूथ है वो ब्लूटूथ के ऐप से, ऐप की मदद से हम वो देख सकते हैं। और जीएसएम की मदद से हम कभी भी और कहीं पे भी हम हमारा पावर प्लांट है और इंडस्ट्री है या तो फिर उसका हम टैरिफ मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोजेक्ट, और हमें इसको बनाने में करीब 3 महीने लगे थे, और सारा कंपोनेंट सर्च करने के लिए और फिर मार्केट में जाने के लिए हमको कई सारी मेहनत भी करनी पड़ी। और हमारा जो है इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल एवरेज खर्च वो करीब 5,000 रुपीज़ के हिसाब से था।